अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये दोस्तों हमारे प्लॉट की एंट्रेंस है, मेन गली है और ये हमारा प्लॉट है। आप देख सकते हैं इसमें गांव वालों ने कितना गंद किया हुआ है मेरी गैर मौजूदगी में, और मेरी अक्सर यही कोशिश है कि इस पर सफाई सुथराई रखी जाए, लेकिन मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा पा रहा और मेरी अपनी मसरूफियात की वजह से मैं इसका ख़ास ध्यान नहीं रख पा रहा। तो अब ये देखें, इधर वो शॉपर गंद वगैरह सब कुछ फेंक के चले जाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश तो है कि इसको बेहतरीन करें। और इधर ही हम जो है, ये देखें, ये मेन गली है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। और मेरी तमाम दोस्तों से भी यही गुजारिश है कि इस पे कमेंट ज़रूर करें कि हमने जो यहाँ पर फर्स्ट एड और ड्रेसिंग स्टेशन बनाना है, और वो भी इंशाल्लाह परमिशन के साथ बनाएंगे, बग़ैर परमिशन के नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं ऑपरेशन रूम असिस्टेंट हूँ, यानी ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। तो अब हम देखेंगे कि इसकी कानूनी चाराजोई करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे हमें डिप्टी कमिश्नर बनाने की इजाज़त देते हैं या नहीं देते हैं। अगर तो इजाज़त मिल जाती है तो इंशाअल्लाह इसमें किसी भी कौम ज़ात पात का या किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी शख्स होगा, इंशाअल्लाह हम उसके लिए काम करेंगे और उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारा ताल्लुक़ इंसानियत से है और हमने इंसानियत के ही लिए काम करना है। तो और ये जो काम मैं करूँगा तो इसमें इंशाअल्लाह ये होगा कि मैं अपने वाले साहब के इसाले सवाब के लिए करूँगा। अगर मुझे परमिशन ना मिली तो फिर अल्लाह खैर करे कोई और काम करेंगे, लेकिन मेरा जिस काम को मैं जानता हूँ और अच्छे तरीके से कर सकता हूँ वो है ऑपरेशन थिएटर का काम। तो कम से कम हमारे जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उनमें ऐसी कोई सहूलत मौजूद नहीं होती रात के वक्त, इमरजेंसी के वक्त किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो बेचारा तड़पता ही रहता है। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना मसरूफियात मेरी हैं 2-3 महीने की, वो ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम डिप्टी कमिश्नर से जो है वो कोशिश करेंगे कि उनसे हम परमिशन ले लें। अगर हमें परमिशन मिल जाती है कानूनी तरीके से तो हम करेंगे, अगर परमिशन नहीं मिलती तो हम गैर कानूनी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेंगे, ठीक है। और जो ही मुझे परमिशन मिल गई और हमने इस पर काम कर लिया तो फिर इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को इसकी लोकेशन, इसका जो है ना, मैं इसको मैप पे मार्क कर दूंगा ताकि जो भी हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं जिनको जो तकलीफ़ में बेचारे रहते हैं तो उनके लिए हम काम कर सकें और वो आके यहाँ से सहूलत उठा लें। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। सर्विस इंशाल्लाह हम फ्री में देंगे तो पहले परमिशन दरकार होगी, ठीक है। अगर परमिशन मिल जाती है तो हम इसकी सफाई करा के इसको यहाँ से बनाएँगे। और तमाम दोस्तों से हमारी ये गुजारिश है कि हमें ये बता दें कि हमें जो है ये किस तरफ से बनाना चाहिए, गली वाली तरफ से या बैक वाली तरफ से हम सिस्टम बनाएं ताकि अगर कोई एम्बुलेंस वगैरह बीन होती है छोटी तो वो भी हमारे पास पेशेंट को ले आ सके, ठीक है। तो फ़िलहाल तो ये प्लाट के अंदर बहुत गंद मचा हुआ है, मेरी 2-3 महीने की मसरूफियात हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद आप लोगों को और परमिशन मिलने के बाद बताऊंगा कि अगला हमारा लाह अमल क्या है। फ़िलहाल हमारा इरादा यही है कि हम अपने वालिद के साले सवाब के लिए ये काम करूँ। और काफ़ी दोस्त सोचते हैं कि यार ये तो भाई तो सामने नज़र ही नहीं आता है और खाली हम वीडियो ही देखते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह फेस टू फेस भी मुलाकात होगी, ठीक है। तो मेरी 2-3 महीने की मसरूफियात हैं वो ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह हम फेस टू फेस मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम।